मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। श्रावण के पावन माह में निकलने वाली सभी कांवड़ यात्रा में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कमलनाथ सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकल रही होगी उस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश रोका जाएगा। यह बात खरगोन विधायक रवि जोशी ने गंगा यात्रा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। प्रदेश सरकार की मंशा है कि पैदल चल रहे कांवड़ यात्री सुरक्षित रहते हुए अपनी यात्रा पूरी कर भगवान शिव के धाम पहुँच सके। विधायक जोशी ने बताया कि सरकार द्वारा यात्रा मार्ग में जरूरी इंतजाम के निर्देश भी प्रशासन स्तर पर जारी किए जा चुके हैं। हमारे जिले के साथ ही आसपास से भी अनेक कांवड़ यात्रा ओंकारेश्वर उज्जैन तक जाती है। कमलनाथ सरकार का यह कदम बहुत सराहनीय है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बहुत जागरूक मुख्यमंत्री है, उनसे निवेदन हम कुछ विधायकों ने करा था कि जिन शहरों में जिन भोलेनाथ के मंदिरों के आसपास कांवड़ यात्रा बड़ी मात्रा में पहुंचती है, लोग जाते हैं, उन पर जब कांवड़ यात्रा का दबाव हो उस वक्त आवागमन का जो ट्रकों का विशेषकर ट्रकों का आवागमन रहता है ज़्यादा, उसको रोक दिया जाए। वैसे क्योंकि हमने देखा है कि हम खरगोन से ओंकारेश्वर, इंदौर से ओंकारेश्वर और महेश्वर से उज्जैन तक कांवड़ियाँ अधिक मात्रा में चलते हैं, लेकिन जिन कांवड़ियों का जब सड़क पर अधिक दबाव हो उस वक्त यातायात को रोकने के लिए हमने निवेदन करा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश की जनता की भावनाओं को समझते हुए ये निर्देश जारी करे हैं कि जब सड़क पर कांवड़ियों का दबाव अधिक हो तो ट्रकों का दबाव कम कर देंगे, ट्रकों को रोकेंगे। मतलब इस बार जो है ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के लिए जो कांवड़ यात्राएं जाएगी उन्हें भारी वाहनों से जो है बचाव होगा और बिल्कुल निश्चित ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब कांवड़ियों का दबाव सड़क पर ज़्यादा मात्रा में होगा तो यातायात को विशेषकर जो सड़क पर जो ट्रक चलते हैं उनको रोकेंगे और पहले कांवड़ियों को प्रयास होगा कांवड़ी शांतिपूर्वक अपनी यात्रा पूरी करें।